नमस्कार। कैन यू टेल द सिमिलैरिटी बिटवीन हीलियम एंड थोरियम? कैन यू टेल द सिमिलैरिटी बिटवीन हीलियम एंड थोरियम? इज इट अपीयरिंग फनी टू यू? बट ऑफकोर्स वन सिमिलैरिटी इज देयर दैट बोथ आर मिसप्लेस्ड। दे आर प्लेस्ड वेयर दे शुड नॉट बी एंड दे आर देयर वेयर दे शुड नॉट बी। दे आर हैविंग द कॉन्फिगरेशन समथिंग एल्स एंड दे हैव बीन प्लेस्ड समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल, हीलियम इज द गैस, but this is having the configuration 1s2. If it is the configuration, it should be placed here. This is the right place for the helium if we go by the configuration. Similarly for thorium, this is the right place. It should be placed somewhere here. Why? Because this is having four valence electron, this is also having four valence electron, and thorium doesn't have any electron in the f subshell. This is supposed to have a configuration. ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा महसूस होता है, ऐसी हमारी कल्पना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस तरह के होने चाहिए, लेकिन ये कल्पना है। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, रियलिटी में इसके पास कोई भी एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सवाल वापस वही कि जब इसके पास एफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसे आपने वहां पे प्लेस क्यों किया? आंसर भी वही है कि जब हीलियम के पास कोई पी इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो हीलियम को वहां पे प्लेस क्यों करो? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी ग्रेट सिमिलैरिटी, बिकॉज दे आर हैविंग रिजेम्बलेंस विद द इनर्ट गैस। इस वाली केस में रिजेम्बलेंस है किसके साथ? एक्टिनॉइड्स के साथ। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी है किसके साथ? इसमें की सिमिलैरिटीज डी ब्लॉक के साथ भी है। जैसे इस वाले ग्रुप में सभी ने प्लस फोर शो करना है और थोरियम भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो प्लस थ्री स्टेट है वो एक्टिनाइड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, लेकिन इस वाले केस में तो ये प्लस फोर शो कर रहा। तो सारी बातें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और ऑक्सीडेशन नंबर इसे डी ब्लॉक एलिमेंट के पास रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इसे डी ब्लॉक के करीब ले जाते हैं। तो फिर जब इतनी सिमिलैरिटी थी तो इसे एफ ब्लॉक के अंदर क्यों डाला? कहानी के अंदर ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि भाई ये जो पहले तीन एलिमेंट हैं, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक के अंदर क्रिस्टलाइज होते हैं। वो हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहे, जबकि थोरियम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा। ये थोरियम के क्रिस्टलाइज होने का तरीका है। थोरियम इस तरीके से क्रिस्टलाइज हो रहा, जबकि ग्रुप फोर के एलिमेंट इस तरीके से क्रिस्टलाइज हो रहे। क्या फर्क है इन दोनों में? कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के अंदर 12 है, इसके अंदर भी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन एक फर्क है, यहां पर क्रिस्टल जो एटम्स है वो है 6, यहां पर क्रिस्टल जो एटम्स है वो है 4। अब ऐसा हुआ कैसे? जो थोरियम है उसके बहुत सारी सिमिलैरिटी डी ब्लॉक के साथ है, फिर इस बार उसकी सिमिलैरिटी एक्टिनाइड्स के साथ कैसे आ गई? क्योंकि एक्टिनाइड्स के अंदर भी यही इस तरह का जो पैटर्न है, क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न है, वो बहुत ही कॉमन है। सारे के अंदर ऐसे नहीं है, मगर मेजोरिटी इस तरह के कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कैसे? ये 5f ऑर्बिटल बड़े आसानी से यूज हो सकते हैं। तो इस पूरी बात को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इसके पास एफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एग्रीड, लेकिन इसका जो बिहेवियर पैटर्न है, इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन है, ये तभी हो सकता जब एफ इलेक्ट्रॉन ने इन्वॉल्व हुआ हो। अब एफ इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं, तो इन्वॉल्व कैसे हो रहा? ये तो कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब आप नीचे जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन 6d के अंदर है, वो 5f के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, और यही सिनॉप्सिस है।